नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम BRSD गोट फार्म पर और इनके जो सोजत की बकरियां हैं, कुछ बच्चे वाली बकरियां हैं, कुछ प्रेग्नेंट बकरियां हैं, कुछ अडल्ट बकरियां हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। क्या रेट बैठने वाला है और किस तरीके से ये काम करते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अजमेर में आ रहे हैं तो अजमेर में कैसे ये माल आपको अवेलेबल होने वाला है, ये आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से और इन बकरियों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म के बारे में बताइए। नमस्कार सर जी, मेरा गोट फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर रोड से 7 किलोमीटर दूर सिक्कर रोड पे अपना फार्म है, BRSD गोट फार्म। जी, जैसे आज हम बात कर रहे थे सोजत बकरियों की। जी सर। तो जनरली अजमेर के नियर बाय तो मैं नहीं देखता हूँ कि सोजत बकरियाँ मिलती हैं, परंतु आपके पास ये लॉट अवेलेबल है, तो इस लॉट के बारे में बताइए साहब, कितनी बकरियाँ हैं और क्या उम्र वाली बकरियाँ हैं? सर जी, ये सेकेंड टाइम 51 बकरियाँ भी है और बच्चों वाली बकरियाँ भी है इसमें। अच्छा, बिल्कुल। ये लोट हमारे पास जो अभी लोट अवेलेबल है, स्टॉक का माल है। अच्छा। तो जिस किसी भाई को चाहिए वो कांटेक्ट करके माल ले सकता है और फार्म विजिट करके भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए तो अपन कुछ बकरियां देखते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल लेते हैं, फिर बात करते हैं साहब। देखो सर जी, ये सोजत की फीमेल है। हाँ। ये 2.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट फीमेल है, 2 से 2.5 मंथ की प्रेगनेंट फीमेल और सेकेंड टाइम बच्चा देने वाली फीमेल है ये। 2 से 2.5 महीने को हम कैसे पता कर सकते हैं भाई मेरे कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल रहते हैं, क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर जी, 2 से 2.5 महीने की जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसका थोड़ा दूध गाढ़ा पड़ जाता है और कम होने लग जाता है। मतलब अगर वो दूध दे रही है, हाँ, अभी बच्चा पिला रही है, तो दूध सबसे पहले उसका गाढ़ा पड़ना शुरू हो जाएगा और फिर? और दूध थोड़ा कम हो जाएगा उनके, दूध थोड़ा सा कम हो जाता है दूध। अक्सर लोगों के सवाल रहते हैं कि हम पेट के किस हिस्से को देखें कि पता चल जाए कि यार वो बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा। पेट के सर जी, ये राइट साइड वाला पार्ट से देखने से मॉर्निंग में पता चलता है जल्दी। अच्छा। ये राइट साइड का जो पार्ट है ना, अच्छा, अभी तो खिलाई पिलाई है, तो बाद में मॉर्निंग में जब सुबह सुबह जल्दी हल्के हाथों से यहाँ सहलाते ना तो पता चलता है, मतलब बच्चे का सिर वगैरह यहाँ टच होता है अपने। मतलब 2.5 से 3 महीने में बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। और खाली पेट बकरी हो तभी हम पता कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी हम पता कर सकते हैं ये चीज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये देखो किड्स भी ये देता है, आप देख सकते हो, एक नंबर क्वालिटी के किले किड्स है, गुलाबी स्किन में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मुंडे। ये क्या उम्र पे होगा भाई? ये 3 से 4 महीने का बच्चा है। 3 से 4 महीने, क्या वजन पे होगा ये? 20 kg का बच्चा है। लमसम 20 kg का बच्चा है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। और आप ये देख सकते हैं भाई, इस स्टॉक में अभी कितनी बकरियां अवेलेबल हैं, ये थोड़ा सा बताइए। इसमें सर जी अभी 30 बकरी अवेलेबल है, 30 फीमेल। चलिए, जैसे एक ये हैवी बकरी मुझे दिख रही है, वो थोड़ा सा दिखाइए सोजत की। हम अपन पहचान के बारे में भी बात करेंगे और जनरली एक सोजत ओरिजिनल बकरी की पहचान क्या होती है वो भी हम इनसे जानेंगे। तो भाई थोड़ा सा एक पहचान के बारे में बताइए, क्योंकि व्हाइट दिखने वाली हर एक चीज़ सोजत नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा पहचान की ओरिजिनल तो यही होती है कि इनकी मार्बल सिंग होते, हाँ, मार्बल खुर होते और व्हाइट बुरी आंखें होती है इनकी, और कहीं ना कहीं पर एक स्पॉट भी होता स्पॉट है। तो सर सोजत में कहीं ना कहीं तो आ भी जाता है, हाँ ना? नॉर्मल से माने स्पॉट तो आए बगैर रहता नहीं है सर। बिल्कुल, अगर बहुत रेयर पीस होते हैं जिसमें स्पॉट नहीं आता है सर। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ये बकरी हमारे सामने खड़ी हुई है जी, आप ये देख सकते हैं इसमें एक कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सामने बकरियां खड़ी हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ब्लैक स्पॉट होगा। नॉर्मल ब्लॉक स्पॉट तो जो भी है आपके आएगा, लेकिन गुलाबी स्किन में आ जाएगी। हाँ, अब सोजत जो बकरियां हैं वो दोनों कलर में होती हैं, मतलब कलर का बोल रहा हूँ कि मतलब जो स्किन का कलर होता है वो दोनों में होता है, ब्लैक में भी होता है, साथ ही साथ पिंक में भी होता है। पिंक में भी होता है सर, बिल्कुल सर। चलिए, तो भाई जैसे अपने ये लॉट दिख रहा है जी सर, तो इसमें अभी टोटल कितनी बकरियां हैं ये मुझे समझाइए। इसमें सर 30 फीमेल है और इसमें किड्स भी है जो अपने 15-20 किड्स है इसमें। 15 से 20 किड्स भी, छोटे किड्स, 3 से 4 महीने वाले किड्स। 3 से 4 महीने वाले जी सर, जिनका एवरेज बॉडी वेट क्या होगा सर? ये सर 20 से 25 केजी के बीच में है। और फीमेल का बॉडी वेट कितना है? फीमेल का बॉडी वेट है 40 से लेकर 50 किलो तक का। 40 से 50 किलो जी सर। क्या रेट रखा सर आपने? सर प्रेग्नेंट फीमेल की जो रेट है वो है 300 रुपये पर केजी।
साहब मुझे रेट थोड़ा सा अलग अलग बताइएगा, क्योंकि देखिए बच्चों का, फीमेल का, एक बार बच्चा दी हुई बकरियों का, सबका थोड़ा सा अलग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सर जी, 300 रुपए पर केजी मिलेगी आपको प्रेग्नेंट फीमेल, और बच्चों वाली फीमेल है वो 330 रुपए, और जो छोटे किड से 20 से 25 के जो वाले मेल वो आपके 350 रुपए पर केजी। 350 रुपए पर केजी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। चलिए अपन इस तरफ कुछ और यहाँ पे बकरियाँ खड़ी हुई हैं, इनको देखते हैं और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इनके बारे में। कुछ मुंडी बकरियाँ भी खड़ी हुई हैं, तो सोजत में दोनों तरीके का जो बकरियाँ हैं वो मिलती हैं आपको। इसमें कुछ सिरोही और अजमेरी नस्ल की बकरियां भी खड़ी हुई हैं। मान लीजिए ये तो सोजत का लॉट है सर। जी सर जी। कोई अब आपसे सिरोही और अजमेरी के बारे में जानकारी लेता है, उसके बारे में डिमांड करता है, तो वो क्या रेट आप रखेंगे ये थोड़ा सा? सर जी, सिरोही अजमेरी गुजरी तीनों ब्रीड अपने पास मिल जाएगी। हाँ, और वो अपन सेल करेंगे सर 250 रुपए पर केजी से सिरोही अजमेरी गुजरी मिलेगी अपने पास। सिरोही और सोजत में इतना अंतर कैसे मिल रहा है भाई, मेरे को थोड़ा सा ये सर, सिरोही और सोजत में ऐसा है कि सोजत जो होती है वो गुलाबी स्किन में आ जाती है। हाँ, शौकीन लोग इसे बहुत पालते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, व्हाइट की डिमांड भी, व्हाइट की डिमांड है सर जी, अधिकतर कुर्बानी में व्हाइट बकरों की डिमांड ज्यादा होती है उस हिसाब से, और ये थोड़ा सा तेज रहता है, इनकी जो मात्रा है वो भी कम है। हाँ, ऐसी बात है, एक लिमिटेड एरिया में ये पाई जाती है, और सिरोही जो अपने हर जगह अवेलेबल मिल जाती है। सिरोही, अगर हम सिरोही से बात करें तो लेकर चुरू सीकर तक वहाँ तक हर एक एरिया में हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत रेयर जगह पाई जाती है। क्वांटिटी थोड़ी सी कम है इनकी, इसलिए इनकी थोड़ी रेट भी ज्यादा है। रेट थोड़ी सी ज्यादा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपके फार्म तक कोई भी नया किसान या नया खरीदार कैसे पहुंच सकता है, ये थोड़ा सा समझाइए सर। नया खरीदार जो अपने अजमेर रेलवे स्टॉप या बस स्टॉप आके कॉल कर दे, वहाँ से हम रिसीव कर लेंगे। अपना फार्म है अजमेर बस स्टॉप से 5 किलोमीटर दूर सिक्कर रोड से जनाना हॉस्पिटल के पास अपना फार्म। जी सर। फाइनली रेट आप एक बार फिर से अगर बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को वो बता दें। बिल्कुल जरूर सर। देखो सर, जो सोजत की 51 फीमेल है वो 300 रुपए पर केजी से अपन सेल करेंगे। कितने महीने की गाभिन रहेगी सर? दो से लेके तीन महीने की 51 फीमेल रहेगी उसमें। और जो बच्चों वाली फीमेल है वो 330 रुपए से सेल करेंगे, जिसमें एक से लेके एक महीने तक के बच्चे आएंगे, 15 दिन से एक महीने के बच्चे। और जो बच्चे है छोटे किड्स 20 से 25 किलो के, वो 350 रुपए पर केजी से अपन सेल करेंगे। जी जी सर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटा सा और प्यारा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ से इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।